press the subscribe button and click the bell icon for latest television updates. रानाघाट रेलवे स्टेशन पर गाना गाकर भीख मांगने वाली रानू मंडल अब मशहूर हो चुकी है। हिमेश रेशमिया ने उन्हें अपनी फिल्म में गाने का मौका दिया। वो अब तक कई गाने गा चुकी है। बीते दिनों एक फैन से बदतमीजी के बाद रानू बुरी तरह ट्रोल हो गई थी। हाल ही में रानू मंडल की कुछ तस्वीरें सामने आई है जिनमें वो बेहद ही सुंदर लिबास में नजर आ रही है, लेकिन उनका मेकअप उन्हें अच्छा दिखाने की जगह उनके लुक्स को बिगाड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी बात को लेकर लोग अब सोशल मीडिया पर उनका मजाक उड़ा रहे हैं। हाल ही में रानू मंडल उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक ब्यूटी पार्लर के कार्यक्रम में पहुंची थी। यहां मेकअप आर्टिस्ट ने उनका मेकअप किया, लेकिन उनका मेकअप लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आया। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों के फनी कमेंट्स और मीम्स की बाढ़ आ गई। रानू मंडल की इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उनके ऊपर हैवी मेकअप किया गया है। फेस और हाथों के कलर टोन भी मैच नहीं हो रहे हैं। इस वजह से रानू मंडल एक बार फिर से ट्रोल हो रही है। आपको बता दें कि इससे पहले रानू मंडल अपने एक फैंस के साथ मिसबिहेव करने की वजह से ट्रोल हुई थी, और अब अपनी इन नई तस्वीरों की वजह से रानू मंडल ट्रोल हो रही है। रानू मंडल की एक और तस्वीर सामने आई जिसमें लोगों ने कैप्शन दिया, नो फिल्टर नो एडिट जस्ट नेचुरल ब्यूटी। रानू मंडल की इस तस्वीर के साथ कैप्शन दिया गया है, नन इन ट्रेडिशनल एथनिक ड्रेस। कुछ इस तरह के मीम्स बनाकर भी लोगों ने रानू मंडल का मजाक उड़ाया। वेल, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।